अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन टाइम भी आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मटर पुलाव। और मटर पुलाव किस तरह बनेगा, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बड़ा सा प्याज काट लिया। पहले आप सब चीज़ों की मकदार बता दें। अच्छा, क्या क्या लिया ये आपने? मैंने एक डेढ़ चम्मच लिया दादी मिर्च का, डेढ़ चम्मच ही मिर्च का और नमक का, सॉरी, तो आधा चम्मच ज़ीरे का लिया। ये कटोरी ली है मैंने। ये एक बड़ा सा प्याज लिया। ये लहसुन अदरक कूटा हुआ। ये हरी मिर्चें चार पांच मैंने काट ली। ये दो टमाटर काटे हैं मसाला में डालने के लिए, मसाला तैयार करने। ठीक है, हाँ जी। ये मैंने प्याज तेल में डाल दिए। अब मैं उन्हें ना ब्राउन होने के लिए रख देती हूँ कि ये मसाले ना बाद में डाल देंगे। ठीक है, मतलब पहले सिर्फ हम लोग जो सा है प्याज ब्राउन कर रहे हैं, उसके बाद क्या हाँ जो से हमारे मज़ेदार से। हाँ जी, प्याज ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर ये ना डालेंगे लहसुन, मतलब लहसुन टमाटर वगैरह डाल के ना, फिर ये मसाले डालेंगे, फिर ये मटर भी डाल देंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर प्याज जो से है ब्राउन कर लिए हैं। और अब उसके अंदर हम लोग जो से चीज़ें, मतलब इस तरह का पेस्ट, हाँ जी, वो मैंने डाल दिया। और ये मैं हरी मिर्चें और टमाटर भी डाल दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सुभानअल्लाह। और आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। अच्छा, ये मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो भी मैंने डाल दिया। अमेजिंग साउंड। और अब हम लोगों ने स्पाइसिंग भी कलर ऐड कर दिए हैं। हाँ जी, और ये ना कुछ टमाटर चाहिए। तो अब इसको अच्छे से हम लोग भूनेंगे। तो मम्मा, इसके बाद हम लोग इसके अंदर मटर डाल देंगे। ओके, तो व्यूअर्स पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो सा है चावलों के लिए मसाला तैयार कर लिया है। अच्छे से हम लोगों ने इसको भूनना है, क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों का मसाला होगा उतने ही मज़ेदार आप लोगों के जो से हैं वो चावल तैयार हो जाएंगे। तो नाउ इट्स टाइम टू ऐड द मेन इन्ग्रीडियंट ऑफ आवर रेसिपी विच इज पीस, मतलब मटर जो से हैं वो हम लोग इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। आज मटर पुलाव बना रहे हैं हम लोग। और आज जो है हम लोग मज़ेदार सा मटर पुलाव बना रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हरी मिर्चियों का रंग कितना प्यारा लग रहा है इसमें, बहुत खिला खिला सा कलर है इसका, बहुत ही मज़ेदार सा ये लग रहा है दिखने में। तो इंशाल्लाह ये बनेगा भी बहुत अच्छा। तो व्यूअर्स, आप लोग अगर हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई हमसे अपनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता, जैसा कि बड़ी ईद, मतलब बकरा ईद आ रही है, ईद उल अज़हा के लिए भी अगर आप लोग कोई हमसे फरमाइश करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग हमसे करें, हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो अब हम लोग जो पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे। हाँ जी, अगर आप ये कहेंगे ये टमाटर मोटे मोटे हैं, मैंने खुद ही रखे हैं के अच्छे लगेंगे चावलों में। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पकने के लिए रखें तकरीबन 10 से 15 मिनट या जब तक ये जो उनसे मटर हम लोगों ने शामिल किए वो गल नहीं जाते, पक नहीं जाते मुकम्मल तौर पर, हम लोग इसको पकाते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें चावल शामिल करेंगे। हाँ, और जो से हमारे झटपट से मटर पुलाव की रेसिपी है वो तैयार हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप लोग वेट करें और देखें कि मज़ेदार सी रेसिपी कैसे। हम लोगों ने अब मटर जोन से पका लिए हैं। अब हम इसके अंदर जोन से हैं वो चावल वो शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम लोग इसके पानी को रिड्यूस करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको एक कनी रख कर चावलों को पकने के लिए रख देंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखना है कि इसका फाइनल लुक क्या होगा। देखिए पानी से खुश्क हो रहा है तो बस दम दे, चावल भी खिले खिले होने लगे, मतलब खिलने लग गए हैं चावल। मैं आपको इसलिए कहा था ना कि ज्यादा रंग नहीं निकालना, जरा ऐसे कलर रखना है, लाइट कलर से। हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखिए काफी पानी खुश्क हो गया, अब हम ना दम पे रखते हैं। ये देखिए ना टमाटर अच्छे लग रहे हैं सुरख सुरख, इसलिए मैंने ना, हाँ जी, इसलिए मैंने रखे थे टमाटर मोटे मोटे से ना, गलाए देखे। अब मैं दम देखिए, माशाल्लाह खिले खिले से चावल कितने प्यारे हैं ये देखें।
बहुत प्यारा कलर आ गया माशाल्लाह, खिले खिले से चावल हैं और धुआं भी निकल रहा है, तो इसको हम लोग कर रहे हैं डिश आउट। ये देखे ना, मैं टमाटर डाले थे ना, इसलिए मैंने डाले थे टमाटर कि इनका कलर आएगा। ये देखें, चलें बेटा दिखा दें। जो तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है मटर पुलाव वो फाइनल हो चुकी है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने मज़ेदार से चावल जो से वो तैयार हो गए हैं, गर्मा गर्म धुआंधार धुआं निकल रहा है इनमें से, जो मटर है वो भी गल गए हैं और टमाटर कितना प्यारा लुक दे रहे हैं, मतलब रेड ग्रीन वाइट एंड हम लोगों ने जो इमली डाली है वो भी आपको नज़र आ रही है। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। और इसके साथ साथ अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।